हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नटबोल्ट। आज हमारे पास है ये मॉस्किटो का रैकेट। इसको थोड़ा चला के देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने लाल बत्ती जला दी और ये देखिए यहाँ पे शॉक भी आ रहा है। तो ये रैकेट चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको बीच से काट देते हैं। अब असली में ये वाला जो रैकेट था वो नया था, इसलिए उसको काटा नहीं। ये पुराने वाले को मैंने खोल के आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी वर्किंग कंडीशन में है, आगे शॉक आ रहा है। ये मैंने इसका पिन डाउन कर दिया है और अब इसको खोलते हैं। खोलने के लिए इसमें कोई वो स्क्रूज थे नहीं, मैंने सिर्फ इसको टेप से जोड़ रखा था। तो यहाँ पे मैं टेप हटा दे रहा हूँ तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे ये खुल चुका है। ये है इसकी बैटरी। बैटरी को कर लेते हैं साइड में। और ये वायर्स हैं जो कि चार्जिंग के लिए जाते हैं बाहर। इनको थोड़ा डिटैच कर लेंगे ताकि इसको डिसमेंटल करने में आसानी हो। ये वायर्स बड़े अच्छे से स्टिक हो गए हैं इसके अंदर फेविक्विक से। तो यहाँ पे हमारे वायर्स जो है ये डिटैच हो गए। अब इसका पीछे का जो चार्जिंग पोर्ट है उसको खोल लेते हैं। और फिर ये हमारा जो पूरा सेगमेंट है ये बाहर आ जाएगा। इसकी बॉडी इस पर साइड में डालेंगे। ये हमारे दोनों स्क्रूज अब खुल चुके हैं। ये ऐसा लग रहा है कि फंस गया है, इसको स्क्रू ड्राइवर से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये निकल गया है यहाँ पे। ये देखिए, पूरा पार्ट जो था वर्किंग मैकेनिज्म ये मॉस्किटो रैकेट का, वो बाहर आ चुका है। ये देखिए, ये है इसका सिक्योरिटी वाला स्विच। ये आगे रहने से ऑन होता है और पीछे ऑफ हो जाता है। देखिए लाल, जब इसको जलाते हैं हम लोग ये ऑफ हो गया, ये ऑन कर दिया। जब इसको हम लोग ऑन में वो बटन टैप करेंगे तो देखिए, जैसे मैं इसको टैप करूँगा ये जो रेड लाइट है ये जलना चालू हो जाएगी और हमारे कैपेसिटर्स चार्ज होना चालू हो चुके हैं। अब देखिए, कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करते हैं एक बार। देखिए बहुत बढ़िया शॉक आया यहाँ पे। तो बहुत तेज़ लाइट आती है इस शॉक की। चलिए, ये था हमारा डिसमेंटलिंग ऑफ मॉस्किटो रैकेट। अब यहाँ पे है हमारे पास एक AK-47 टॉय गन। इसके एक एक पार्ट को अच्छे से डिसमेंटल कर लेंगे। ये हमने मैगजीन निकाल दी है। यहाँ पे हम लोग स्कोप अलग कर रहे हैं। ये हमारा ट्रिगर अलग हो गया। और इसको अलग करते ही हमारी पूरी गन अपने आप ही अलग हो गई। क्या है ना, थोड़ी सी पुरानी गन थी तो इसके जितने भी बीट थे वो सब टूट गए हैं, इसलिए ऐसी खुली रहती है हमेशा। तो इसके सेंटर में हम लोग अपना ये वर्किंग मैकेनिज्म जो है मॉस्किटो रैकेट का उसको फिल कर देंगे तो ये वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पीसीबी में से हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स अलग कर लेते हैं, जैसे बैटरी हो गया, हमारी चार्जिंग पिन और ये स्विच। जब ये सब हम लोग अलग कर लेंगे तो हमारा जो ये पीसीबी है इसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और हम लोग इसको आराम से मॉडिफाई भी कर सकेंगे अपने गन के मुताबिक। अब हम लेते हैं अपनी एक गन की बॉडी और इस गन की बॉडी में हम लोग अपना जो ये पीसीबी है इसको फिक्स कर देंगे। ये पावर बटन ये इधर लगेगा और हमारा जो ये चार्जिंग वाला ये
एलईडी बल्ब है वो लग जाएगा उसके ऊपर साइड में यहाँ पे, और ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा हमारी गन के अंदर। हम लोग अब पोजीशन मार्क कर लेते हैं और उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे होल्स काट लेंगे, ये चार्जिंग पिन के लिए नीचे की साइड में और एलईडी बल्ब के लिए ऊपर की साइड में। ये हमने अपने पोर्ट्स बना लिए हैं, यहाँ पे हमारे छेद बन के तैयार हो गए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी पीसीबी है ये फिक्स हो चुकी है और काफ़ी बढ़िया होल्स बने हैं। देखिए एकदम पोजीशन पे है, दोनों जो स्विच है वो भी वर्किंग कंडीशन में है अच्छे से, और जो हमारा बल्ब है वो भी एकदम बढ़िया पोजीशन में लगा हुआ है, तो हमारे जो होल्स हैं वो एकदम बढ़िया कटे हुए हैं। अब ये पीसीबी में हम लोग जो कंपोनेंट्स थे उसको वापस चिपका लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बैटरी चिपका ली है, यहाँ पे जो स्विच था उसकी लेंथ इंक्रीज़ करके इसको भी यहाँ पे सोल्डर कर दिया है। अब चलिए एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए स्विच को मैंने दबाया तो रेड लाइट जली अंदर, और यहाँ पे हम लोग जब डिस्चार्ज करते हैं तो आवाज़। अब यहाँ पे है हमारे पास एक चार्जिंग पिन जिसको हम लोग यहाँ पे सोल्डर कर ले रहे हैं, फिर इसकी एक बार टेस्टिंग भी कर लेंगे कि ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए परफेक्ट फिट है, एकदम बढ़िया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये पीसीबी है उसको हम लोग फेविक्विक की मदद से अपनी गन के अंदर फिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मेरा पीसीबी जो है ये अब फिक्स नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टेप से जोड़ दिया है। अब ये जो चार्जिंग पिन है इसको इस होल में फिक्स कर देंगे जिससे कि ये जो कॉर्ड है ये आराम से इससे अटैच हो सके। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा के हम लोग यहाँ पे फेविक्विक लगा देंगे हल्का सा, जिससे कि ये परमानेंटली यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब हमारी गन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये आगे दो टर्मिनल्स है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया है, और यहाँ पे जो ये थ्रेड है उससे ये स्प्रिंग एक्टिवेट होता है। यहाँ पे पीछे इसका सेफ्टी स्विच है, ये चार्जिंग पोर्ट, ये चार्जिंग का लाइट, इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे इसका मैंने टर्मिनल सेट कर रखा है जो कि कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए है, इसको ऑन कर दिया, रेड लाइट जल गई। अब ये कैपेसिटर्स जो हैं वो चार्ज हो चुके हैं। अब हम लोग अपने स्प्रिंग सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आएगा करंट, अभी देखिए स्प्रिंग सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है। तो चलिए अब इसको फाइनल कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा ट्रिगर और पुली सिस्टम इस टाइप से फिट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ट्रिगर को पीछे पुल करेंगे और फिर थ्रेड आगे की साइड खींचेगी, इसी हिसाब से काम करेगा। अब ये हमारी गन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए आगे के इसके टर्मिनल्स लग गए हैं, और यहाँ पे मैंने बीच में टेप से चिपका दिया क्योंकि इसके मैक्सिमम पॉइंट्स सब टूट चुके हैं, तो मैंने इसको टेप से जोड़ दिया है ये इस पोजीशन पे। ये बस चला के देखते हैं चलता है कि नहीं। यहाँ से मैंने इसका ऑन कर दिया स्विच, और यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हैं, इस पोजीशन से मैंने इसको चार्ज कर दिया, और अब हम लोग इसको चला के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रिगर है, अब इसको मैं ट्रिगर को खींचता हूँ पीछे, ये देखिए क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे बीच में लाइट भी दिख रही होगी आपको अंदर में, ये देखिए। एक और ट्रिगर पुल करते हैं और देखते हैं, तो ये हमारी गन कंप्लीट हो गई। अब इसका और बॉडी पार्ट जो है वो भी जोड़ देते हैं, जैसे ये आगे ये जुड़ गया, इसका स्कोप,
ये इसके स्कोप भी लग गए। और अब इसका बीच वाला पार्ट जहाँ पे ट्रिगर रहता है। ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा क्योंकि ऊपर साइड में हमारे लोहे के पिन निकले हुए हैं ना, इस वजह से। तो इसको भी कनेक्ट करता हूँ, फिर आता हूँ। ये हमारी गन हो गई है तैयार। देखिए यहाँ पे इसका कैपेसिटर चार्ज किया और फायर 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 फायर।